नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब चूंकि मौका नए साल का है तो बात भी नए साल की होगी। बात होगी साल 2024 की। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां इस नए साल में रहने वाली हैं, इस नए साल को बेहतर कैसे बनाएंगे और नए साल में लोगों का हाल कैसा रहने वाला है, ये जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 1 जनवरी 2024, दिन सोमवार, तिथि है पौष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 2:28 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, प्रातः काल 8:36 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान है वृश्चिक राशि में, सूर्य और मंगल विद्यमान है धनु राशि में, शनि विद्यमान है कुंभ राशि में, राहु विद्यमान है मीन राशि में, बृहस्पति विद्यमान है मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं नव वर्ष 2024 की। सबसे पहले ये समझते हैं कि साल 2024 की खास बातें क्या हैं। देखिए, साल 2024 का अंक है 8। 2024 को जोड़ेंगे तो 8 अंक आएगा और ये अंक शनि का अंक है, इसीलिए पूरा वर्ष शनि से प्रभावित रहेगा। साल की शुरुआत कन्या लग्न से हो रही है और लग्न में ही केतु विद्यमान है, सप्तम में राहु है, यानी लग्न राहु और केतु के एक्सिस में रहेगा। साल की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और सिंह राशि सूर्य की राशि है, इसीलिए इस वर्ष में सूर्य का भी मजबूत प्रभाव लोगों के जीवन पर दिखाई देगा। इस साल में सूर्य और शनि, जिनकी कुंडलियों में प्रधानता रखते हैं, सूर्य और शनि की प्रधानता है, ऐसे लोगों को बहुत लाभ होगा। साल की शुरुआत चूंकि गलत एक्सिस पर हो रही है, राहु केतु के एक्सिस पर, अग्नि राशि में चंद्रमा के जाने पर, इसीलिए ये साल शुरुआत से ही मुश्किलें दिखा रहा है। और 4 बीतने के बाद जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे तो बीमारी, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी स्थितियां अप्रैल के बाद बन सकती हैं। साथ ही साथ धार्मिक विवाद, केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में धार्मिक विवाद बढ़ेंगे और न्यायिक सक्रियता बढ़ेगी,
यानी न्यायालय की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय इस समय सामने आ सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें, कुल मिला जुलाकर बात करें, तो साल के संकेत बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ मामलों में ये वर्ष ठीक है, जैसे भारत की प्रभुता मजबूत होगी, भारत का नाम और यश बढ़ेगा और कठिन समय में भारत मजबूती से सामने आएगा। इस मामले में तो ठीक है, लेकिन कठिनाई देश और दुनिया में तमाम लोगों को होगी अन्य अन्य कारणों से, जिससे जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी। साल 2024 पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, किसी प्रियजन से इस समय आपकी भेंट होगी। भगवान शिव को अगर एक लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। साल 2024 में किन लोगों को लाभ होने की संभावना ज्यादा है और किन लोगों को समस्या होने की संभावना ज्यादा है, ये समझते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि साल 2024 में किन लोगों को ज्यादा लाभ हो सकता है। देखिए, जिन लोगों का मूलांक 4, 7 या 8 हो उनके लिए वर्ष अच्छा है। हालांकि 8 वालों को थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, 8 वालों के लिए कुछ मामले में निगेटिव हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम मामलों में पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों की राशि मेष, मिथुन, कन्या या धनु राशि है उनके लिए भी वर्ष 2024 अच्छा रहेगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य या शनि मजबूत हैं उनके लिए भी वर्ष 2024 उत्तम होगा। जो लोग इस वर्ष में ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ रहेंगे, परिश्रम करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, निश्चित रूप से उनके लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। देखिए, साल 2024 शनि का साल है और जैसा हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के शनि से परिणाम नहीं मिलते, इसीलिए अगर आप इस साल मेहनत करने को तैयार हैं, ईमानदारी से रहने को तैयार हैं, तो सफलता मिलती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है।
अब जानते हैं कि साल 2024 में किन लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता जरूर है। जिन लोगों का मूलांक 1 या 5 हो, कुछ मामलों में 8 हो, 8 वालों को स्वास्थ्य संभालना होगा। मोटे तौर पे जिनका मूलांक 1 या 5 हो उनको सावधान रहना है। जिनकी राशि कर्क हो, तुला हो या कुंभ हो, उन्हें भी इस वर्ष में सावधानी रखनी होगी। जिनकी कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे लोग बड़ी सावधानी से इस साल में रहेंगे, ईमानदारी रखेंगे, उसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। जो लोग अपना आहार और व्यवहार ठीक नहीं रखते, उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, रूटीन से नहीं रहते, लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं होगा। वर्ष 2024 पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। चलिए अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन की दशा में सुधार होगा, नौकरी की समस्या दूर होगी, किसी मनोरंजक कार्य में, किसी पार्टी में, शादी में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके व्यस्तता बनी रहेगी, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, जब कोई नया वर्ष शुरू होता है, जीवन में कोई नई चीज सामने आती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर होगी और पिछले दिनों की तुलना में ज्यादा बेहतर होगी, जीवन को ज्यादा आगे बढ़ाएगी। तो कैसे 2024 को अच्छा बनाएं? साल 2024 को अच्छा बनाने के उपाय क्या हैं? देखिए, शनि का साल है, इसलिए किसी न किसी रूप में लोहा जरूर पहनिएगा। लोहे का एक छल्ला, लोहे का एक कड़ा, जैसा भी चाहे धारण करिएगा। नियमित रूप से शनि देव की उपासना इस पूरे साल में सबको करनी चाहिए। पूरे साल में शाम के समय शनि मंत्र का जप रोज करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर शाम के समय जप करिएगा, अच्छा होगा। और हर शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। इस साल हल्के नीले रंग का और सफेद रंग का प्रयोग करिएगा, बहुत अच्छा होगा। लाइट ब्लू कलर
और वाइट कलर अगर इस साल में आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस साल में काले रंग का प्रयोग कम से कम करिएगा, क्योंकि अगर इस वर्ष में आप काले रंग का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी। शनि का साल है, मेहनत करिए, अनुशासन में रहिए, ईमानदार रहिए और जहां तक संभव हो मांस मदिरा का प्रयोग इस साल में मत करिएगा। वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस साल में बिल्कुल भी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम इस समय बन जाएगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, उपहार और सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार को लेकर के बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, दूसरों के चक्कर में नहीं पड़िएगा वरना समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, पुरस्कार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, नौकरी में आपके अनुकूलता आएगी, रिश्तों की स्थिति में आपके सुधार होगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर किडनी से संबंधित कोई समस्या है या किडनी में आपके स्टोन है तो 2-4 पत्ते तुलसी के 1 कप दूध में डाल करके उबाल ले और तुलसी वाले इसी दूध को नियमित रूप से रात को सोने के पहले पीजिए। अगर आप ऐसा करें तो किडनी संबंधी समस्याओं में सुधार होगा, किडनी स्टोन का अपने आप निकल जाना आसान होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। एक जनवरी को प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिएगा और इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर देते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो नववर्ष 2024 हम सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।